तो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया स्कूल से वापस घर। और गाइस अभी ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई साहब, बता नहीं सकता। तो अभी देख सकते हो आज ज़्यादा गिल्ला हो गया, परसों तो थोड़ा सा गिल्ला हुआ था, आज थोड़ा ज़्यादा गिल्ला हो गया। जी मेरी गाइड है भाई, इतनी ज़्यादा गिल्ली हो गई है। अब देखो जी मैंने अपनी किताबें ऐसे सूखने को डाल दी है। जी देखो अभी कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। जी चेक करो गाइस, मैंने अभी अपनी यूनिफॉर्म साफ कर दी है। बारिश में भीगने का एक फ़ायदा हो गया, मैंने अपनी यूनिफॉर्म साफ कर दी उसके बहाने में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज का ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे। और गाइस अभी आपका भाई आया है सुबह सुबह धारा पे नहाने के लिए। अभी तक मैं नहाया तो नहीं हूँ, बाकी अब नहाऊंगा मैं। जहाँ पे नीचे बैठ के मज़े से नहाएंगे, इसके नीचे मज़े से बैठो और ऊपर से खुद खुद पानी आ रहा है, मज़े से नहा लेते हैं बंदा। जल्दी से नहाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मिलता हूँ नहाने के बाद। सो फाइनली गाइस अभी मैंने नहा लिया और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, जहाँ पे देखो कितना सारा कीचड़ हो गया। रात को बारिश हुई थी, रात को नहीं अभी सुबह सुबह हुई थी बारिश, अभी ठीक हो गया, बारिश रुक गई, नहीं रुकती तो स्कूल जाना कैंसिल हो जाता मेरा। बाकी अब जल्दी से चलती है घर पे और घर जा कर के यूनिफॉर्म पहनते हैं और उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। चलो भागो ऐसे, फिर जी ऐसे ऐसे जाता हूँ मैं नहाने के बाद घर पे दौड़ते हुए। और 7:20 या 7:25 पे मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ और उसके बाद फिर 7:35 होते हैं तो मैं उस टाइम नहा करके स्कूल को चले जाता हूँ और स्कूल टाइम से पहुँच जाता हूँ। ये चल रहा है भाई, ऐसा करता हूँ मैं डेली, अच्छे से खाना भी खाया जाता है यार, क्या बताऊँ अब, एक टाइम ही बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाते। जय वीरदेव, आप भी कर लो वीरदेव के दर्शन, चलो जय हो। आज देखो धूप भी नहीं लगी, आज बादल बादल से है, डेली दोपहर को बारिश होती है तो आज भी होगी। कितना मस्त भी हो रहा है, सिनेमैटिक चेक करो। फाइनली गाइस मैं नहा के आ गया वापस घर पे, अभी जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म डालते हैं और हाँते हैं फिर निकलते हैं स्कूल को। तो गाइस अभी मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के बाद फिर मैं स्कूल को चले जाऊँगा। तो स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ आप सभी से, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया स्कूल से वापस घर। और गाइस अभी ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई साहब, बता नहीं सकता, ये चेक करो। और जब मैं स्कूल से आया ना घर तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इतनी इतनी होगी तो गिल्ली नहीं होगी। भाई मैं घर को आता गया और रास्ते में ज़्यादा बारिश पड़ गई, तो अभी देख सकते हो आज ज़्यादा गिल्ला हो गया, परसों तो थोड़ा सा गिल्ला हुआ था, आज थोड़ा ज़्यादा गिल्ला हो गया। ये चेक करो, आज पैंट भी गिल्ली है और साथ में शूज़ में से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है ना भाई साहब, बहुत बुरी हालत होगी। आज मुझे लग रहा है कि ज़्यादा किताबें गिल्ली हो गई होंगी। बैग का हाल देखो यार, ये क्या हो गया, जहाँ पे रखो से पहले। अब मुझे लग रहा है कि मुझे मम्मी जी से डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मम्मी जी पशुओं को चराने के लिए गई है ना जंगल में, तो हमारे गांव वालों का घर रोड के पास में है, तो वहाँ पे खड़ी हो गई है मम्मी जी, तो वहाँ से मुझे डांट पड़ रही थी मम्मी जी से, तो घर आने के बाद बहुत ज़्यादा पड़ेगी भाई।
क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया। चीज चेक करो, मैं क्या करूँ, जल्दी से कपड़े खोलती है और टांगती है भाई तार के ऊपर। इधर किताबी हुई है गिल्ली, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले सारा कुछ निकालना पड़ेगा बैग में से। आज ज़्यादा गिल्ली हो गई भाई, बाहर निकालती है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद मिलता हूँ भाई साहब। आज देखो यार, मेरी ये नोटबुक भी पूरी गिल्ली हो गई है। इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो। उस दिन तो इतनी इतनी हुई थी सारी किताबें गिल्ली, पर आज कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब इनको सूखने के लिए रखना पड़ेगा, जहाँ से भी गिल्ली हो गई। मैंने नहीं आना चाहिए था यार, स्कूल से आते टाइम कभी भी मुझे रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होगी तो मैं कभी नहीं आऊँगा भाई घर पे, क्योंकि ऐसा मैं अब कभी नहीं करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी किताबें ख़राब हो जाएंगी। देखो ये मेरे गाइड है भाई, जी देखो कितनी ज़्यादा गिल्ली हो गई है जे। अब डांट पड़ने वाली है मम्मी जी से। बाकी अब करते हैं कपड़े चेंज और इनको सूखने के लिए डालते हैं, देखते हैं आज सुबह तक सूखती है या नहीं। शूज़ भी मेरे पूरे गिल्ले हो गए हैं, अब मुझे नहीं लग रहा कि सूखेंगे भी ये, देखते हैं फिर भी क्या होता है। बाकी अब किताबों को भी ऐसे ऐसे करके रखना पड़ेगा एक एक को। अब देखो जी, मैंने अपनी किताबें ऐसे सूखने को डाल दी है, अब ये सूख जाएंगी ऐसे करके। तो गाइस अभी मैंने कपड़े कर लिए चेंज, और गाइस अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना ये मैं अपने शूज़ साफ़ कर रहा था, वैसे भी गंदे हो गए थे और बारिश में गिले भी हो गए थे। तो मैंने इस वाले टप में पानी लाया जहाँ से टैंक में से, और ये रहे मेरे शूज़। अभी मैंने ये भी साफ़ कर दिए, चलो एक तो काम हो गया ना। पर ये थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है यार, मेरी बुक्स गिली हो गई। ये देखो अभी कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, हवा तूफान भाई साहब। मक्की भी देखो टेढ़ी हो गई, और छत में से देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। मैं बरांडे में खड़ा हूँ तो मैं भी यार गिला हो रहा हूँ, जहाँ पे इतने ज़्यादा हवा तूफान हो रहा है भाई साहब। तो आप बारिश के थोड़े बहुत सिनेमैटिक चेक करो। गाइस मुझे लग रहा है कि आज नीचे बारिश रुकने वाली, देखते हैं फिर भी क्या होता है शाम तक। अभी तो 2:30 बजे है, 2:30 बजे देखो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है। ऐसा हमें डेली देखने को मिलता है, शहरों में तो धूप लगी होगी, हमारे जहाँ देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। जहाँ पे देखो 3 पाइप में से पानी आ रहा है। आप लोग बारिश की आवाज़ सुन करके अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम। सुन ली ना भाई कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और बादल भी गरज रहे हैं खतरनाक वाले। गाइस अभी मैं वहाँ से इस वाले घर पे आ गया हूँ, कैसा है ना मैं जहाँ पे भाई ये वाला टप लेके मैंने ऐसे लिया टप, और जहाँ पे आ गया भाई साहब इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही है, और हवा तूफान भी है साथ में। थोड़ा सा मैं गिल्ला भी हो गया, वैसे मैंने टप भी लिया था पर फिर भी मैं गिल्ला हो गया, ये चेक करो थोड़ा बहुत। और इधर छाता रखा था तो इसको बाद में ले जाएंगे, दूसरे वाले घर पे जाऊंगा ना, इस वाले छाते को लेके जाऊंगा। तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज, तो इसलिए मैं जहाँ पे आया था ऐसे खोला दरवाजा। जी देखो अंधेरा ही अंधेरा है। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई लोगो। गाइस अभी मैं खाना खा रहा था ना, जहाँ पे हमने झाड़ू टांगा था इसके ऊपर रखा था हमने, तो ये ऊपर से नीचे गिरा, मैंने जहाँ पे ये वाला टप रखा था ऐसे धड़ाम सी आवाज़ आई, और मैं डर गया, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, क्या नीचे गिर गया। तो अभी खाना खाते हैं भाई। तो फाइनली गाइस अभी बारिश रुक गई है, ये चेक करो गाइस कितना मस्त अभी व्यू हो रहा है बारिश रुकने के बाद। जहाँ पे हमारी मक्की भी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई है, हवा तूफान हो रहा था ना तो उसकी वजह से घास भी देख सकते हो कुछ। अभी ऐसा मौसम हो रहा है, काले काले बादल अभी भी छाए हुए हैं चारों तरफ। तो अभी मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। अब मुझे लग रहा है कि उस साइड बारिश हो रही है, वो देखो सामने जहाँ पे चेक करो गाइस, काला काला दिखाई दे रहा है ना, मुझे लग रहा है जहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो तभी इसलिए दिखाई दे रहा है। जहाँ से देखते हैं आगे से, जहाँ से लेकर के इस साइड बारिश हो रही है, इस साइड
मौसम साफ हो गया है और इस साइड बारिश लगी है। यहाँ पे देखो एक झरना सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा आप लोगों को। ये चेक करो गाइस, इधर दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। गाइस वहां पे देखो आज मिस्त्री जी भी आ गए, कल तो नहीं आए थे जी। कल क्यों नहीं आए थे आप बताओ, कल क्यों नहीं आए थे? घूमने के लिए बोल रहे हैं, कल हम पहाड़ पे गए थे घूमने के लिए, तो आज आ गए जे। और बारिश रुकने के बाद ये देख सकते हो अभी लाइट भी आ गई है भाई लोगों। तो गाइस अभी शाम के बज रही है 5 और गाइस अभी आपका भाई आया था जंगल में अपने जानवर को चराने के लिए। थोड़ी देर पहले मम्मी जी आई थी, तो भी मम्मी जी घर पे चले गई है, वो घर जा कर के घर का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं आया हूँ, मेरे साथ में जहाँ पे मन्नू है। मन्नू कैसे? बहुत ठंडा भाई, ठंड है, ठंड लग रही है। अच्छा मुझे भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी ना दोबारा से बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई, उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। तो मनु क्या लग रहा है, रात को खतरनाक वाली बारिश होगी या नहीं? कोई पता नहीं, हो भी सकती। अच्छा देखते हैं भाई लोगों क्या होता है, बाकी आप लोग कमेंट में बताओ क्या होगा आगे। भाई इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, मैं बता नहीं सकता। अब जैकेट डाल दिया, बरसात के टाइम में मनु को देखो जैकेट डाल ली भाई, मैंने तो सिर्फ ये डाला है, इसे क्या बोलते हैं यार मैं भूल गया, क्या बोलते हैं मनु पता? ट्रैक सूट ये बोलती है, पता नहीं भूल गया यार, मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताओ। अभी ना मैंने जहाँ आकर के अपनी वीडियो एडिट कर ली है, और अभी मैं वीडियो को सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अपलोड करूँगा, और उसके बाद फिर आप लोग देखोगे। ये काम है भाई, 6:15 पे वीडियो डालनी है, अब तो डालनी है। अब इसके बाद ना मैं कभी भी लेट नहीं करूँगा, कोई मेरी 1-2 हफ्ते लेट होती रही वीडियो यार, कोई रात के 9-10 बजे डल रही थी। अब मैंने अपना टाइम ठीक कर लिया। वहाँ पे नीचे देखो राकेश भैया आ रहे, जहाँ पे चेक करो गाइस जे रहे राकेश भैया। हेलो जे, अभी जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि दहरमानपुर वॉलीबॉल के गेम खेलने। जे वॉलीबॉल के बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है ना। अभी गाइस चले गए राकेश भैया दहरमानपुर। अभी ना हवा भी चल रही है, अब ठंड भी लग रही है, काफी ज्यादा ठंड लग रही है। वाओ क्या ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा खूबसूरत नहीं है यार, ये बेकार सा हो रहा है, बेकार नहीं है यार, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। कैसे अच्छा यार, इतनी ठंड लग रही है, अच्छा है? तुझे ठंड लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, हाय गर्मी। अब देखो जी मैं आप लोगों को वीडियो एडिट करने के बाद ही मिलता हूँ, अब वैसे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, वीडियो सेव करते हैं और उसके बाद फिर जल्दी से अपलोड करते हैं। भाई थंबनेल बनाना है, बहुत ज़्यादा काम है, जल्दी से ख़त्म करते हैं अपना काम।
तो गाइस अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो एडिट की थी और एडिट करने के बाद अपलोड कर दी थी। अपलोड करने के बाद मैं घर पे आया था। घर आ करके मैंने क्या किया ना जी, चेक करो गाइस, मैंने अभी अपनी यूनिफॉर्म साफ कर दी है। बारिश में भीगने का एक फ़ायदा हो गया, मैंने अपनी यूनिफॉर्म साफ कर ली उसके बहाने में। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरा बैग भी सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सूख है, सुबह तक बिल्कुल ही सूख जाएगा। और यहाँ पर देखो चार पाई पे कितनी सारी किताबें पड़ी है मेरी। अब मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया, अब अंधेरा होने जा रहा है, फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, ऐसे चलता रहता है यार। अब कभी ऐसे चलता है, पर लाइफ अलग लग गया हर एक बंदे की। जो स्कूल को जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है डेली। थोड़ी देर बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ। तो गाइस अभी रात के बज रही है 8:30 और गाइस अभी बाहर चेक करो अंधेरा हो गया है। और अभी आके भाई ने पूजा भी कर दी है, जय माता दी। जहाँ पे चेक करो गाइस, पूजा कर दी आपके भाई ने। अभी पूजा वगैरह तो अभी हो गई है, अब हम आएंगे खाना, खाना खाने के बाद फिर हम सो जाएंगे। तो फिलहाल गाइस अभी हम खा रहे हैं रात का खाना। तो आज रात के खाने में बना है दाल और चावल, तो इसे खाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। आई केस वाले ब्लॉग को जय पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग को कर दो लाइक, और चैनल पे जो भी नहीं है वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।